हरिकेश मीणा ने एसडीएम हमीरपुर तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक गसौता महादेव मंदिर का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर वर्तमान सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गसौता महादेव मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर में तमाम तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। हरिकेश मीणा ने एसडीएम हमीरपुर तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक गसौता महादेव मंदिर का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर वर्तमान सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गसौता महादेव मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक गसौता मंदिर में खड्ड के साथ 200 मीटर का हेलीपोर्ट बनाने की संभावनाएं जताई जाएंगी। मंदिर में तमाम तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि गसौता महादेव मंदिर में बने स्विमिंग पूल को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए इसकी गहराई तथा चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा। खड़ के साथ क्रेट बायर तथा आरसीसी का डंगा लगाकर इसके आधार को मजबूत बनाया जाएगा। मंदिर में उपरोक्त तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना तैयार की जा रही है जिसे शीघ्र ही अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने गसौता महादेव मंदिर कमेटी के प्रधान को कहा कि आगामी श्रमदान के माध्यम से स्विमिंग पूल के साथ लगती खाली जगह को समतल करवाने के लिए कार्य शुरू करवा दे। उन्होंने कहा कि छोटा नौण वो बड़ा नौण को अलग अलग निर्माण कर गसौता महादेव मंदिर के पानी को आस्था के साथ जोड़ा जाएगा। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग से चेंजिंग रूम व वॉशरूम का आवश्यक निर्माण किया जाएगा। उन्होंने गसौता महादेव मंदिर कमेटी के प्रधान दुनी चंद ठाकुर को मंदिर कमेटी में अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने का सुझाव दिया। उपायुक्त ने मंदिर में माथा टेका तथा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर एसडीएम हमीरपुर चिरंजी लाल, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक शर्मा, AIIT से आर्किटेक्चर विभाग के प्रशिक्षु छात्र छात्राएं, मंदिर कमेटी के अन्य सदस्य गण तथा स्थानीय लोग उपस्थित थे। इससे पहले उपायुक्त हरिकेश मीणा ने NHAI के अधिशासी अभियंता जगदीश चंद कानूंगो तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित हीरा नगर स्थित चिल्ड्रन पार्क से लेकर NIT चौक तक स्थलों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को सड़क के दोनों ओर पैदल पथ का शीघ्र निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हीरा नगर स्थित चिल्ड्रन पार्क से लेकर NIT चौक तक सड़क के दोनों ओर राहगीरों के लिए पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा ताकि पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गसौता जो बड़ा प्राचीन टेंपल है उसके साथ में 250-300 कनाल लैंड भी है तो उसको लेके हम लोग पिछले 6 महीने से वर्क कर रहे हैं और जो उसमें 80 गाँव को वाटर सप्लाई वहाँ से होती है, इतना नेचुरल वाटर निकलता है तो उसको लेके जो आर्किटेक्चुअली हमने NIT की विंग है, HODs और NIT के बच्चे हैं उनको साथ लिया था और उनसे जो प्लान वहाँ डेवलप करने का जो लगभग 30 बीघा का एक एक्स्ट्रा एरिया है उसकी हमने कंटूरिंग की हुई है तो क्या वहाँ उस पर डेवलप कर सकते हैं जन सहयोग से और कमेटी ऑलरेडी जो मंत्री कमेटी है और जो प्रशासन का किस तरह सहयोग लिया जा सकता है उस चीज़ों को सारा हमने डिस्कशन किया है तो उस चीज़ को लेके कल विजिट थी। उसमें HCLPWD, STM, NIT के कुछ प्रोफेसर्स विद स्टूडेंट्स, मंदिर कमेटी, ये सारे शामिल थे।